दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ और टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और घर सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, कमरे में भी सारा कम्बल वम्बल ऐसे ही छोड़ दिया है। सुबह जल्दी जल्दी होता है तो सब कुछ कर नहीं पाते हैं, बाद में करते रहेंगे। आज मैं कुछ ब्लॉग स्पेशल बनाने जा रही हूँ तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ किचन में हो रहा है दूध गर्म, खाना मैं बना चुकी हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे तो आलू के पराठे बनाए थे और दाल रोटी बनाई है। और आज बनाने जा रही हूँ मैं दाल वाली बड़ी, जो मिधौरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। इसके लिए मैंने भिगोई है दाल, ये मूंग की दाल है और मैंने यहाँ भिगोई है, एक सेकंड, यहाँ भिगोई है ये चने की दाल है और यहाँ मसूर की दाल है, ये मैंने साथ में भिगो दी थी, और यहाँ ये उड़द की दाल है। और चाहे आप और जो भी दालें हों वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास इतनी ही दालें थीं अभी फ़िलहाल तो मैंने ये सारी भिगो दी हैं। अब इससे हम बनाने वाले हैं मिथौरी बरी, आपके यहाँ जो भी कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ ये, इसको पीसने चलते हैं हम। पहले इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, साफ़ पानी से इसको वॉश करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मिक्सी की सहायता से या फिर किसी के घर पे सिल बटना होता है उससे पीस सकते हैं, और मिक्सी हो तो मिक्सी से भी पीस सकते हैं। मैं इसको जा रही हूँ पहले धोने, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखना कैसे बनती हैं और कैसे बनाई जाती हैं, आप लोग भी बनाना जिस किसी को नहीं आती हैं, और आती हैं तो कोई बात नहीं, देख लेना। यहाँ मैं दाल धो रही हूँ, अच्छे से इसको रगड़ के साफ करेंगे। क्योंकि इसमें चिक्कल थे ना, चिक्कल वाली दाल होती है तो उसको अच्छे से चिक्कल जब तक हट जाए तब तक इसको धोते हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से यूँ करके इसके चिक्कल हटा रही हूँ। और आप चाहे तो जो बिना चिक्कल की आती है दाल वो यूज कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ यही थी ना इसलिए मैंने यही भिगो दी थी। चने की दाल तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे रगड़ के पानी से निकाल देंगे। इसमें चक्कल वगैरह तो है नहीं, ये दाल भी साफ हो गई है, इसको एक साइड कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी दाल पे, ये है मूंग की दाल।
चाहिए उस दाल को अभी पानी नहीं। यहाँ दालें साफ कर ली हैं, देख लीजिए। मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल थोड़ी कम है। हम चलते हैं इसको पीसने और देखते रहना कैसे कैसे मतलब करते हैं, कैसे कैसे बनाई जाती हैं। तो हम चलते हैं इसको मिक्सी से पीसने के लिए फटाफट। दाल को इस तरह पीसना है, ना ज़्यादा महीन होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी, मतलब बीच की होनी चाहिए तभी अच्छी बनती है। और ज़्यादा महीन कर लोगे तो उसको जब लगाते हैं ना तो कठिनाई पड़ती है, अच्छे से लगती नहीं है आसानी से। अब मैं इसको चलती हूँ पीसने। थोड़ा पानी ले लेती हूँ क्योंकि ये पीस नहीं रही है। थोड़ी दाल खुशक होती है ना इसलिए थोड़ा पानी पड़ता है। दो बार में पीस लेंगे, अभी थोड़ी रह गई।
अब हम लोग आ गए छत पे मिथौरी लगाने, और इसमें सब कुछ डाल लिया था, मिर्च और हींग और गरम मसाला। मुझे आई आंटी बनवा, आंटी तो देखो आंटी बनवा रही हैं। और चलो हम भी लगवाते हैं अब छत पे। यहाँ लग गई है मिथौरी, इतनी इतनी लगी है, इधर खाली रह गया। अब चलते हैं नीचे, चलो आंटी। चप्पल पहन लो। अब चल रहे नीचे। ओ सही लग गई ना आंटी, टाइम से है ना। अब मिथौरी लग गई है, अब हम नीचे आ चुके हैं। अब खाएंगे खाना, उसके बाद नहाएंगे और फिर जाएंगे बच्चों को स्कूल से लेने। अब हम खाना खा के और नहा धो के फ्री हो गए हैं। अब जाने वाले हैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि एक की छोटे वाले की होती है 1 बजे छुट्टी, और बड़े वाले की होती है 1:15 पे। तो हम अब चलते हैं स्कूल, और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात, ब्लॉग देख के कमेंट कर दिया करो तो पता चलता है मतलब कैसा ब्लॉग बना है, और लोग कमेंट कर रहे हैं तो पढ़ने में अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।